हैप्पी हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप यू आर डूइंग वेल। हम भी एकदम ठीक हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, आई पोस्टेड अ ब्लॉग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तो आज हम लोग जा रहे हैं कुपुई, बच्चे हैं, भाई के बच्चे हैं काव्या, ये काव्या है और हर्षित गुड़िया। हम लोग जा रहे हैं कुपुई शॉपिंग करने, क्योंकि बच्चों को कुछ जब भी हम लेना बच्चों था। के साथ मार्केट जाए ना, तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, तो मैं वीडियो भी नहीं बना पाई। ये वापस आते हुए हम थोड़ी सी वीडियो बना रहे हैं बस में कि हम लोग कुपुई गए थे, ये सोच के कि तुम्हारे को याद रहेगा, तो मैं ब्लॉग में इसको ऐड कर रही हूँ। तो काव्या देखो नाराज़ हुई थी, मुँह फुलाए बैठी हुई है। तो घर आते ही हमने कर दी है दिवाली की तैयारियां शुरू। तो सबसे पहले हम लगाएंगे पोचा इसमें हॉल के हाफ साइड हॉल में मैंने पूरे पोचा में। लगा दिया था। उसके बाद मुझे याद आया कि मैं थोड़ी सी वीडियो भी बना लेती हूँ, तो मैंने हर्षित को आवाज़ दी और हर्षित मेरी वीडियो बना रहा है। थोड़ा कैमरा ऊपर नीचे हो जाता है, बच्चे हैं, इनको ज़्यादा पता नहीं है। पता तो शायद मुझे भी बहुत कुछ नहीं है अभी, पर फिर भी हाँ थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो गई। तो हॉल हो गया है पूरा साफ़, हॉल कर दिया है हमने पूरा साफ़। अंदर कि जो ऊपर वाली मंजिल और नीचे वाली मंजिल है वो हो गई थी कंप्लीट। यहाँ पे मेरा मैट अरे परे आगे पीछे हो गया था, तो मैंने इसको सेटल कर दिया। तो चलो फिर हमारे साथ अब करते हैं हम घर के बाहर की सफाई थोड़ी सी। तो इसमें पहले मैं पानी डालूंगी और फिर वाइपर लगाऊंगी। तो फिर यहाँ पे मेरी और भाभी जी की हो रही है कन्वर्जेशन। भाभी जी ऊपर अपने घर पर और मैं नीचे हूँ। तो फिर हम बात कर रहे हैं कि आज के दिन क्या क्या करें, सफाइयाँ हो गई है या अमन का आपके घर से कहाँ गए, सब लोग शॉपिंग करने गए। पर ये जो कन्वर्सेशन है ये पहाड़ी लैंग्वेज में हो रही है। हमारी पहाड़ी जो है वो हिंदी से काफ़ी मिलती जुलती है, तो आपको समझ आ जाएगी। पर इसमें हम लाउड बात नहीं करें, जैसे मैं करती हूँ ना लाउड बात, हम धीरे धीरे बात करें, क्योंकि मेरी पीठ फ़ोन की साइड है, तो मेरी उतनी लाउड आवाज़ नहीं आ रही है। तो हमने अगले दिन दिए जो है वो पानी में डाल दिए थे भिगोने के लिए। मैंने सुना है कि ये दीदी ये भिगोने के लिए डाल देते तो वो कम तेल सोखते हैं। तो ये है पटाखे। तो अब करते हैं हम चम की तैयारी, दी गई है अच्छे से सूख, और इसमें हम लगा रहे बत्ती कॉटन की। ये है हमारे कैंडल्स, तो दियो के तैयार, अब जला देते हैं हम इसको। दिए जलाने के बाद ये बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। अभी हम इसको लगा देते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। देखो आप देख सकते हैं हमारी डेकोरेशन कितनी प्यारी लग रही है। इसमें हमने क्या किया है कि इसमें बीच में हमने दिया लगाया है और इसके दोनों साइड हमने कैंडल लगाई हुई है। इतना अच्छा लग रहा है बाहर से, मेरे को तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है आप कमेंट में बताएं। तो हमारी डेकोरेशन हो गई है सारी ख़त्म। तो इसके बाद टाइम है पटाखे जलाने का। तो हम शुरुआत करते हैं फुलझड़ियों से। ये फुलझड़ी कर रहा है सूर्यांश, तो मैं इसको बता रही हूँ कि कैसे करनी है। तो मैंने इससे फुलझड़ी ले ली थी, तो मैं करी थी इसको, सिखा रही थी, पर ये बार बार बोल रहा था बुई मेरी फुलझड़ी वापस दे दो मुझे। तो मैंने बहुत लेट हुआ इस तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ अनार। मुझे पहले तो बहुत डर लग रहा था स्टार्टिंग पे, पर बाद में हो गया था। ये वीडियो बना रही है काव्या और मैं साइड में खड़ी हूँ, इंजॉय कर रही हूँ फुल। हमने तो इस दिवाली बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है। आप लोगों ने कितना कितना कैसे कैसे एंजॉय किया है प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। ये मेरा छोटा भाई है जो कि हवाइया हाथ में कर रहा है। ये मेरा जो छोटा भाई है उसका छोटा बेटा है करण, इसकी फर्स्ट दिवाली है, ये भी इंजॉय कर रहा है इस दिवाली में। तो ये है काव्या और करण, क्यांश बोलते हैं हम इसको घर में। तो इनका अपना ही चला रहता है, इसने पेंस लगाई होती है वो निकाल रहा होता है। तो ये हूँ मैं और पटाखे 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 फोड़े जा रहे हैं आज। बहुत ज़्यादा दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, राम आएंगे तो वाले ब्लॉग को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। यदि आपको ये ब्लॉग पसंद आए प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, देन शेयर कीजिए। ये वाले पटाखे हमने रखे हैं नेक्स्ट दिन के लिए। टेक केयर, बाय बाय।